Hey guys, welcome back to Bikram Tutorial. आप देख रहे हैं आपका चहका चैनल Bikram Tutorial, जहां पे मैं लगातार केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स का वीडियो दे रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लग रहा है, आप समझ पा रहे हैं और आप अच्छे से एकदम एग्जाम में तरक्की कर पाएंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा न्यूमेरिकल्स आज है, न्यूमेरिकल्स का जो आज वीडियो हम बनाने वाले हैं, वो न्यूमेरिकल्स में आज हम फॉर्मूला बताएंगे और हमारा चैप्टर जो रहेगा वो है आपका सॉल्यूशन। क्या रहेगा? सॉल्यूशन। एंड सॉल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, याद रखिए, और इससे एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे आज पहला जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला नंबर वन, वो होगा मोलरिटी पे, मोलरिटी। और मोलरिटी का फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे, वो यूज करेंगे स्मॉल डब्ल्यू बाय स्मॉल एम और 1000 बाय आपका कैपिटल वी। तो ये कैसे यूज करेंगे वो हम क्वेश्चन के थ्रू आपको बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आज फॉर्मूला सिर्फ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा फॉर्मूला होगा मोलालिटी। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? मोलालिटी। एंड मोलालिटी का जो फॉर्मूला होगा वो हम लोग देखिए, मोलालिटी को डिनोट करेंगे कैपिटल एम से, मोलालिटी को डिनोट करेंगे स्मॉल एम से, और ये एम अलग चीज है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, स्मॉल एम का मतलब होता है गिवेन वेट। क्या हो जाता है? गिवेन वेट। और स्मॉल एम का मतलब होता है मॉलिकुलर वेट, ठीक है। क्या होता है? मॉलिकुलर वेट, याद रखिएगा। और बी का मतलब हो गया वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम किस में होना चाहिए? मिलीलीटर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। हमको क्या करना है, लीटर में तो मिलीलीटर में चेंज करना हो, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका क्या फॉर्मूला होगा? स्मॉल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम 1000 बाय आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल डब्ल्यू। अब कैपिटल डब्ल्यू सिर्फ यहाँ पे क्या है? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? मोलिटी। तीसरा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? तो मोल फ्रैक्शन में हम लोग यूज करेंगे अलग से, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पहले ले लेंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को डिनोट करेंगे एक्स ए से, और इसके लिए यूज करेंगे फॉर्मूला स्मॉल डब्ल्यू बाय स्मॉल एम, या इसके लिए सीधे एक याद रखेंगे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एम। स्मॉल एन का मतलब हो गया आपका मोल ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल एन का मतलब मोल ऑफ सॉल्वेंट। एकदम याद, ये ध्यान देते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला जो यूज होगा, हम जो यूज करेंगे, जो आपको बताएंगे न्यूमेरिकल्स, वो आपको यूज होगा नेक्स्ट फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला होगा आपका राउल्ट्स लॉ के लिए। पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाय स्मॉल एम कैपिटल एम बाय कैपिटल डब्ल्यू हम लोग यूज करेंगे। पी नोट का मतलब हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जबकि पी एस क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। एंड स्मॉल डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका? गिवेन वेट हो जाएगा, गिवेन वेट, लेकिन किसका? गिवेन वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, गिवेन वेट ऑफ सॉल्यूट। स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू क्या हो जाएगा? गिवेन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, गिवेन वेट ऑफ सॉल्वेंट। स्मॉल एम क्या हो जाएगा? तो मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। और कैपिटल एम क्या हो जाएगा? मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग जैसे ही, ये फॉर्मूला आप लोग जैसे ही याद करते हुए चलिएगा। हम न्यूमेरिकल एक एक पे लेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, एक एक पे हम न्यूमेरिकल लेंगे। आज का क्लास सिर्फ हम सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला से अवगत कराना चाहते हैं, आपको फॉर्मूला से परिचित करवाना चाहते हैं, आपको फॉर्मूला से फैमिलियर करवाना चाहते हैं। आपको फॉर्मूला इतना ज्यादा बेहतर होना चाहिए कि आप जैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे कैसे, वो हमारा काम है, बट आप फॉर्मूला जानेंगे, और जानेंगे वो हम बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए, जिसमें एम इक्वल टू होगा स्मॉल डब्ल्यू, क्या हो जाएगा आपका? सीधे यहां से हो जाएगा के KF यूज करते पहले, ठीक है, KF या KB, तो KF यूज कर लेते, KF इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाय डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। अब स्मॉल m क्या है? तो मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। KF क्या है आपका? डिप्रेशन फ्रीजिंग कॉन्स्टेंट यानी फ्रीजिंग डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है, फ्रीजिंग डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, फ्रीजिंग डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, डिप्रेशन कॉन्स्टेंट आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद आपका
क्या हो जाएगा, ये कैपिटल डब्ल्यू है। स्मॉल डब्ल्यू क्या हो गया, बता चुके हैं इसमें डब्ल्यू, गिवेन वेट ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद कैपिटल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, गिवेन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार आप क्या स्मॉल एम इक्वल टू और फॉर्मूला हो जाएगा के बी इंटू थाउजेंड इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाय डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। सारे चीज वही है, सिर्फ के बी क्या हो जाएगा और डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा, तो वो लिख देते हैं। के बी हो जाएगा आपका, जैसे यहां लिखे थे फ्रीजिंग डिफ्लेशन कॉन्स्टेंट, उसी तरह लिखेंगे बॉइलिंग एलिवेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है, बॉइलिंग एलिवेशन या एलिवेशन बॉइलिंग जो भी है, बॉइलिंग एलिवेशन कॉन्स्टेंट शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, बॉइलिंग एलिवेशन कॉन्स्टेंट। और आपका हो जाएगा क्या, आपका डेल्टा टी बी का मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये सारे चीजों का हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे हम लोग अगले दिन। हम लोग न्यूमेरिकल टॉपिक बाय टॉपिक सारे जो फॉर्मूला बताए, उस फॉर्मूला पर हम क्या करेंगे, सवाल को लेके आएंगे। न्यूमेरिकल्स कैसे हम बना सकते हैं एकदम इजी वे में, फॉर्मूला में कैसे पुट करें, कैसे हम बताएं, सारे चीजों को हम अगले क्लास में लेके आएंगे। आप तब तक फॉर्मूला का रिवीजन करते रहे और लगातार केमिस्ट्री का वीडियो देखते रहे। हम लगातार आप लोगों के लिए वीडियो ला रहे हैं, और साथ ही साथ जैसे ही जैसे टाइम मिलते चला जाएगा हम आपके लिए नीट का वीडियो प्रोवाइड करेंगे। बार बार हम सिर्फ प्रॉमिस कर रहे हैं लेकिन ला नहीं पा रहे, लेकिन लाएंगे बहुत जल्द। तब तक आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करें और सभी दोस्तों तक, भारत के सभी दोस्तों तक, भारत के सभी स्टूडेंट तक हमारे चैनल को फैला दें, क्योंकि हम केमिस्ट्री का जबरदस्त बताते हैं वीडियो। अगर अगर समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक हिट कर दीजिए, और मस्त रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और लगातार हमारे चैनल को देखिए। थैंक यू।